नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नीरज कुमार। बिहार के चुनावी सरगर्मी अपने आखिरी चरण पर है और तीसरे चरण का वोटिंग 7 तारीख को होने वाला है, जिसके लिए आज जहां मिथिलांचल के या कोसी कमिश्नरी सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे, वहीं कोसी कमिश्नरी के ही एक क्षेत्र जो है पिपरा, वहां हम लोग आए हुए हैं और पिपरा से जदयू के उम्मीदवार हैं हमारे साथ कामत साहब। कामत साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने क्षेत्र की तैयारियाँ की है, क्षेत्र में जनता से किस प्रकार से ये रूबरू हो रहे हैं और क्या क्या यहाँ की समस्याएँ हैं जिन्हें हल करने के लिए इनके पास क्या योजना है। कामत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में, और आप ये बताएं कि किस प्रकार से आपके पास योजना है और किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में हैं। धन्यवाद आप सबों का, आप इतनी रात में यहाँ आकर के और हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हम लोग तो अभी चुनावी माहौल में जनसंपर्क में लगे हुए हैं और पिपरा विधानसभा के सुदूर गांवों में और हर एक पंचायत में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया एनडीए गठबंधन से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि फिर से नीतीश जी का नेतृत्व होगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्षेत्र में हम जनसंपर्क के दौरान पंचायतों में जहां जा रहे हैं, गांव में जहां जा रहे हैं, सुदूर देहात में जहां जा रहे हैं, तो यह विधानसभा पिपरा काफ़ी उपेक्षित महसूस हो रहा है। हमने कई सड़कों को ऐसे देखा है कि लगता है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के समय में जब पूरे बिहार में विकास की रोशनी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पिपरा विधानसभा में देहात में सुदूर इलाके में उसकी कमी महसूस हो रही है, जर्जर पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ के स्वास्थ्य और एजुकेशन सिस्टम पे भी अगर देखें तो जो यहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसे दुरुस्त करने के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएँ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं और विधानसभा पिपरा के पंचायतों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। हर पंचायत में प्लस टू विद्यालय का निर्माण हो रहा है और हुआ भी है। उसमें जो कमियां है, जो बची हुई है, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। हमने इस विधानसभा में महत्वपूर्ण जो कमियां देखी हैं, यहां पर अधिकांश क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या है। हम कई एकड़ जमीन में जल जमाव देख रहे हैं जिसका निदान होना बहुत ही आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसके तहत अगर यहाँ पर काम किया जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की किस्मत बदल सकती है। हमने विकास के एजेंडा को लेकर के जो यहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय का पहला चरण है जो पूर्ण होने वाला है, उसमें कुछ कमियां थोड़ी कहीं कहीं हर घर नल की जल में दिखाई पड़ रही है, बाकी टोले मोहल्ले में वो काम दिखाई पड़ रहा है। 7 निश्चय का नली गली का पक्कीकरण और सारी जो योजनाएं हैं वो सारी दिखाई पड़ रही हैं। पार्ट टू में जी, जो अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से एक तो यहाँ से पहले से ही लोग पलायन कर रहे थे और अभी बाहर से भी लोग यहाँ आ गए हैं, तो बेरोज़गार युवाओं के लिए और यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं उनके रोज़गार के लिए क्या क्या आपके पास व्यवस्था है? देखिए, पलायन के मामले में आज के समय में हम कह सकते हैं कि ये कोरोना का जब पीरियड हुआ, लॉकडाउन जो शुरू हुआ, तो हमारे जितने यहाँ के आम जन जो बाहर में रह करके अपने परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन करते थे, सारे लोग जो है यहाँ वापस आ गए थे। और यहाँ जब
ढील पड़ी है, लॉकडाउन में कुछ उसमें सुधार हुआ है, छूट हुआ है, तो वो अपने नियत स्थान पर जा रहे हैं। और नीतीश जी का जो यह कार्यक्रम कोरोना काल में चला कि यहाँ पर भी हम जो हमारे ट्रेंड कोई साथी हैं, जो कोई हमारे भाई बंधु हैं, जो किसी मतलब प्रशिक्षित हैं, तो उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। और जिसको जिस चीज़ का स्किल है उसे स्किल है, स्किल के अनुसार वो रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इसमें जो पहले से हमारे यहाँ के लोग बाहर में रह करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके साथ लाचारी है, उनका वहाँ पर घर द्वार है, मकान है, और वो वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, तो वैसे लोग अभी अधिकांश वापस जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह सपना है कि बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था की जाए, उस पर जो काम हो रही है, आने वाले समय में हम लोग लग के उस काम को सरजमीन पर उतारेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले 5 साल के अंदर यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। इस पर सरकार भी गंभीरता से सोच रही है और हम लोग भी मेहनत करेंगे। अगर यहाँ के आम मतदाता मालिक का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से करना चाहेंगे। 7 तारीख को मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से कि क्या क्या देखें, क्या क्या सोचें और तब वो मतदान करें? हमें पिपरा विधानसभा के मतदाता मालिक से निवेदन करना है कि NDA गठबंधन की सरकार बिहार में फिर से बने, नीतीश जी का नेतृत्व हो, और नीतीश जी का जो विकास का विजन है, जो आगे वो सोच रहे हैं, पिछला 5 साल का जो उनका कार्यक्रम तय है विकास का, उसको गति मिले। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक साथ मिल करके डबल इंजन का ताकत लेकर के उस विकास को रफ्तार मिले, यही सोच करके हम लोग यहाँ के आम मतदाता से निवेदन करेंगे कि 7 तारीख को आप बूथ पर जाइए, एक एक वोट डालिए और तीर छाप के निशान पे वोट दे करके फिर से नीतीश जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए और डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के सहयोग से इस विधानसभा सहित पूरे बिहार की विकास में तेजी लाइए। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपने मतदाताओं को यहाँ से नमन करता हूँ। हमने क्षेत्र में जहाँ भी गया है अपार जन समर्थन लोगों का मिला है और खास करके युवाओं का उत्साह देखते बनता है। मैं जहाँ भी पहुँचता हूँ यहाँ के युवा हमसे आगे आगे जनसंपर्क में लगे रहते हैं और एक एक जगह एक एक मतदाता से मिलाने में हमें सहयोग करते हैं। काफ़ी खुशी होती है कि यहाँ के आम जनता मतदाता मालिक हमको बहुत ही स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसका मैं ऋण उतारने का प्रयास करूँगा। जी, तो ये थे कामत साहब और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इलेक्शन में सुशासन और विकास को देखते हुए जनता वोट करे ताकि जिस प्रकार से पहले के विकास कार्य चल रहे हैं वो आगे भी निरंतर विकास कार्य चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी जिंदाबाद।